गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जो है काफी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी जो है मेरे बीएससी के मिड टर्म चल रहे थे, तो इस वजह से जो है मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा था। तो आज काफी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। और इसके साथ ही गाइस आज है संडे, तो आपको पता ही होगा कि सावन का महीना चल ही रहा है। तो संडे के दिन जितने भी शिव भक्त और जो कांवड़िए होते हैं वो जल लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि कल जो है सभी लोग जल चढ़ाएंगे। तो गाइस मेरा जो गांव है इससे आगे जो है कछला पड़ता है, तो जितने भी शिव भक्त और कांवड़िए होते हैं वो सारे यहीं से होके निकल के जाते हैं, क्योंकि कछला से जल लेके आते हैं। और फिर हमारे बरेली में जो है सातों नाथ हैं, यहाँ पे जो है जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको शिव भक्तों और कांवड़ियों की जो भीड़ है वो दिखाई जाए कि कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, तो अभी जो है शाम के जो है 4 बज रहे हैं, तो अभी तो जो है काफ़ी तेज़ धूप है, तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी नहीं। तो शाम को आपको रात में दिखाएंगे जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा रहती है। और इसके साथ ही गाइस जो आपने बड़े बड़े डीजे हैं, जैसे शर्मा डीजे, मोनू डीजे और भी पुष्पेंद्र डीजे, ठीक है, सुपर नंबर वन डीजे, कई सारे डीजे हैं, वो भी जो है सारे यहीं से होके गुजरते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को और शाम होने का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस हम जो है रोड की तरफ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कांवड़ियाँ हैं वो अभी निकल रहे हैं। तो मैंने जो डीजे की साउंड है इसकी वो जानबूझ के बंद कर दी है, क्योंकि गाइस कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो इस वजह से। जगत 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 ज्वल लाट कट्ट भाव किशोर चंद्रशेखर